पर राजीव बंसल, फिर एक ऐसे सेक्शन से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो तीन बार यानी कि मेंबर पार्लियामेंट रहे, बहुत डोसाइल है, बाय नेचर बहुत डोसाइल है, और कांग्रेस के पूरी कांग्रेस की कमान को संभाले हुए हैं अपने पिताश्री के साथ। सीधे इनसे बात करते हैं, प्रदेश में क्या चल रहा है? देश में आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। प्रदेश में एक सरकार बनी है, गठजोड़ की सरकार बनी है, तीन टांगों पे खड़ी हुई सरकार है। ये एक ऐसी कुर्सी है जिसकी तीन टांगे हैं और तीनों टांगे लंगड़ा रही हैं। पहली टांग बीजेपी है, बीजेपी के जो सबसे वरिष्ठ है अनिल विज, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पे निशाना साध रहे हैं। दूसरी टांग जेजेपी है, जेजेपी के जो सबसे वरिष्ठ है राम कुमार गौतम, वो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री पे निशाना ले रहे हैं। तीसरी टांग निर्दलीय है, निर्दलीय आपने देख लिया, मैम के निर्दलीय हैं वो। क्या चलो ये तो टांग रहे हैं, तो ये तीन टांगों पर खड़ी सरकार है प्रदेश में। सर कांग्रेस और ऐसे में प्रदेश के लोगों को बड़ी चिंता है कि ये सरकार लोगों का क्या भला करेगी। ये जो चार महीने हो गए, तीन महीने इन्होंने लोगों की सुध लेने की शुरू नहीं, काम करना कब शुरू करेगी? अभी लोगों को इस बात की, इस सरकार को कब डेंट दे देंगे आपके, यानी कि उसमें कुछ विधायक हैं साहब? ये बातें आपको बताने की नहीं है। अच्छा, ये बातें कौन टच में है? देखो हमारे सामाजिक लोग हैं, सारे विधायक हमारे संपर्क में सामाजिक तरह से रहते हैं। अब राजनीतिक है, राजनीति में कौन कितने विधायक राजनीतिक तौर से संपर्क में किसके हैं, ये कोई बातें कोई आपके टीवी पे कैमरा। सर आपने तीन स्टेट फतेह की, दिल्ली में आप क्यों ट्रेन बिहार कर रहे हैं? अभी दिल्ली का तो रिजल्ट आने तो नहीं, आप तो दिल्ली का रिजल्ट आने तो क्या आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं दिल्ली के अंदर? मैं देखो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, जो भारत बीजेपी की जो एक नीति है कि जैसे मैंने कहा आर्थिक मंदी, रिकॉर्ड बेरोजगारी, आज व्यापारी की तंगी, ये जो मुद्दे हैं, किसान की बर्बादी, इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी बारी बारी देश में भाईचारे को लेकर खटास कैसे पैदा हो ऐसे मुद्दे लाती है। इन मुद्दों को दिल्ली की जनता हराने का काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हासी की बात ले, आपको याद होगा 2012 में हासी में यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया करवाया गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। मेरे को उसका आयोजन करवाने का शुभ अवसर मिला था, वो आयोजन कराने का यहाँ पे जनसभा का। उसमें 2012 में दो प्रोजेक्ट हासी के मंजूर करा के रेल और रोड रैली यहाँ पे करी थी कि एक नेशनल हाईवे, कि भाई ये हाईवे बने डबवाली से लेकर और दिल्ली तक, ये फोर लेन का अपना हाईवे बने और रेल की लाइन बने, हासी से महम होके रोहतक तक रेल की लाइन बने, जो भी आखिरी स्टेज पे पहुँच गई है। जिस दिन ये रेल की लाइन बिक जाएगी उस दिन आप देखना शताब्दी और जो है राजधानी जो है सिरसा से और जो है वाया हासी महम और दिल्ली तक चलेगी। तो यहाँ पे